दोस्तों 2018 में WhatsApp में हमको कई सारे नए अपडेट्स देखने को मिले, जैसे कि पीप मोड और उसके साथ आपको ग्रुप चैट्स में भी काफ़ी सारे नए अपडेट्स देखने को मिले। तो दोस्तों 2018 जो है वो फिलहाल हम बोल सकते हैं कि 2018 जो है वो WhatsApp के लिए एक बहुत ही अच्छा साल था, जिसमें हमको कई सारे नए अपडेट्स देखने को मिले। तो दोस्तों इस वीडियो का जैसे थंबनेल में आपने देखा कि मैं आपको बोल रहा था कि WhatsApp जो है वो कुछ फोन्स में 2019 मतलब कल से कुछ फोन्स में WhatsApp जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से फोन से जिसमें WhatsApp का जो है वो फ्यूचर में आप नहीं चला पाएंगे, वो WhatsApp जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि WhatsApp काम करना बंद कर देगा कुछ फोन्स में, बिकॉज देखिए दोस्तों WhatsApp का ये कहना है कि वो अभी अगर कुछ अपडेट्स निकालेंगे वो फ्यूचर को देख के निकालेंगे। ये जो फोन्स हैं मतलब जिन फोन्स में WhatsApp काम करना बंद कर देगा, इन फोन्स के लिए अब WhatsApp कुछ भी अपडेट नहीं निकालेगा। तो ऑटोमेटिकली WhatsApp का जो एप्लीकेशन है अगर आप उसको यूज़ भी करेंगे तो वो खुलेगा नहीं और आपका फ़ोन के लिए ही ये नुकसानदेह होगा। तो देखिए दोस्तों अभी आप पूछेंगे कि ये जो फोन है वो कौन से फोन से। देखिए दोस्तों मैं आपको बोल दूँ, ये जो फोन है सबसे पहला जो फोन जिस फोन में WhatsApp नहीं चलेगा January 1, 2019 से, वो फोन है नोकिया का S40 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन। S40 मतलब नोकिया का सेम्ब्रैन 40 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोस्तों था कई सारे नोकिया के पॉपुलर फोन्स में जो, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये लॉन्च हुआ था 2005 में नोकिया के आशा 215, आशा 301, इसके साथ दोस्तों नोकिया का शायद 5600, 5800, इसमें सब सिम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम था। दोस्तों मेरा भी फोन था नोकिया का 5800 एक्सप्रेस म्यूजिक, जिसको मैं यूज़ करता था करीबन हो गया 4-5 साल 6 साल पहले। उसमें भी दोस्तों अभी WhatsApp काम करना बंद कर देगा। तो अब आप लोग ये पूछेंगे कि अभी हम लोग क्या करेंगे अगर WhatsApp ये सब प्लेटफॉर्म्स में काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट कम है तो कोई आप एक छोटा सा फ़ोन ले सकते हैं, जैसे कि जियो फोन या कोई भी आपका 3-4 हज़ार का स्मार्टफोन ले सकते हैं, बिकॉज ये सब फोन्स में तो WhatsApp काम करना बंद कर देगा। और जैसे कि आपको पता होगा अभी हम खाना पीना अगर नहीं करें तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट के बिना नो ऑप्शन हम सब के पास, आपको पता होगा। तो इसलिए अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और आप डेली बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना फ़ोन चेंज कर लीजिए कोई छोटा सा, मतलब बजट में, अपने बजट में। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप बड़ा फ़ोन ले सकते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप नया फ़ोन ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज जनवरी 1 मतलब कल से WhatsApp आपके फ़ोन पर काम करना बंद कर देगा। अगर बात करूँ WhatsApp पहले किन किन फोन्स में काम करना बंद कर दिया था, तो देखिए तो दोस्तों ब्लैकबेरी के जितने फोन्स हैं, ब्लैकबेरी 10 के और नोकिया का सिम्बैन S60 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें WhatsApp पहले ही काम करना बंद कर चुका है। अब भी सिम्बैन 40 जैसे मैं आपको बोला, अगर आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम S40 है तो उस पर दोस्तों जो WhatsApp है वो काम करना बंद कर देगा। और फ्यूचर में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि January 1, 2020 मतलब अगले साल जनवरी 1 तक अगर आप Apple के यूजर्स हैं, मतलब अगर आप Apple आईफोन यूज़ करते हैं तो iOS 6 के नीचे, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 6 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। iOS 6 के नीचे जितने भी फोन से उन पर WhatsApp अगले साल से, मतलब अगले साल के अगले साल 2020 से हो जाएगा बंद। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट आप सबको देना था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में दबा दीजिएगा बेल बटन को। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।